गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो हियर इज आवर नेक्स्ट पोएम दैट इज द लॉस्ट वर्ड विच इज रिटन बाय ईस्थर मॉर्गन. एंड दिस पोएम इज अबाउट अ वोमन. एक औरत के ऊपर ये कहानी लिखी गई है दैट हाउ अ वोमन कैरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली शी वर्क्स फ्रॉम डे टू नाइट बट नेवर गेट्स अ चांस टू स्पीक अबाउट हरसेल्फ और वॉट शी वॉन्ट. मतलब एक परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए दिन रात मेहनत करती हैं लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिलता कि वो चाहती क्या है, उनका मतलब क्या है, उसको वो कभी बोल नहीं पाती. तो ईस्थर मॉर्गन ने इसी चीज को, जो वुमेन की कंडीशन है हमारे सोसाइटी में, उसी कंडीशन को इस पोएम में दर्शाया है. सो लेट्स सी. और इसीलिए पोएम का नाम रखा है द लॉस्ट वर्ड. और सिर्फ दो वर्ड है जो कि उसके खो गए हैं उस औरत के और वो ढूंढ रही है. तो यहाँ पर ढूंढने से मतलब नहीं, मतलब वो जो चाह रही है अपने परिवार से, अपने फैमिली मेम्बर से, वो चीज़ उसको मिलती नहीं है. और आखिरी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वेन हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्सेस टंग. मतलब हमेशा उसके पास डिमांड तमाम होते हैं, उसकी डिमांड कोई नहीं सुनता. सो लेट्स स्टार्ट. शी लॉस्ट अ वर्ड एंड सर्चेस फॉर इट एवरीवेयर बिहाइंड द सोफा एट द बैक ऑफ डस्टी कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स. मतलब उसकी वर्ड्स जो है कहीं खो गए हैं, वो हर तरफ ढूंढ रही है, सोफा के पीछे, डस्टी कबर्ड्स के पीछे, ड्रॉर्स के पीछे. शी फिक्स थ्रू द रबिश सैक्स, जहां पर कचड़ा पड़ा हुआ है वहां भी जाकर के वो ढूंढती है. अंडर द कारपेट शी फाइंड्स लॉट्स ऑफ अदर्स. और चटाइयों के नीचे भी ढूंढती है तो उसके और सारी चीजें मिलती हैं लेकिन वो जो ढूंढ रही है शी इज नॉट गेटिंग इट. शी फॉरगॉटन शी हैड स्वेप्ट अंडर देयर बट नॉट द वंस शी इज लुकिंग फॉर. वो जानती कि उसने कुछ स्वीप किया है, कुछ साफ करके किया अंदर, लेकिन वो मिला भी, बट वो जो ढूंढ रही है वो उसे नहीं मिला. द ट्रबल इज इट्स स्मॉल ओनली टू लेटर्स दो नो लेस वैल्यूएबल फॉर दैट. लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ उसे वही दो लेटर्स चाहिए और वो किसी कीमती चीज से कम नहीं है. शी स्टैंड्स रैकिंग हर ब्रेन्स फॉर द लास्ट टाइम शी यूज्ड इट बट ऑल दैट कम्स टू माइंड आर फेल्ड अटेम्प्ट्स. और वो सोच करके सोचती है कि उसने उस दो शब्दों का इस्तेमाल आखिरी बार कब किया, वो कहाँ गायब हो गए, वो कहाँ चले गए. और जब भी वो इस चीज को खोजती है तो उसे जो है अनसक्सेसफुल ही हो जाती, मतलब उसे सफलता नहीं मिलती. वेन हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्सेस टंग. और जब उसके जो है उसका दिमाग, उसका ब्रेन हमेशा दूसरों के ही डिमांड से भरा होता है. मींस ये वही यहां दिखाया गया है कि जो एक स्त्री जो सम्मान चाहती है वो इस समाज में नहीं है. सो ईस्थर मॉर्गन ने इसी चीज को दर्शाना चाहा है कि एज एवरीवन गेट्स रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, वुमेन शुड ऑल्सो गेट. सो स्टूडेंट्स गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड टुमारो विल बी सेंडिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.